आपका नाम बताइए। मेरा नाम केसर सिंह। केसर सिंह जी। हाँ जी। और कहाँ के रहने वाले आप? मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? राजसमंद। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। हाँ ओके। आप पहले गुजरात में रहते थे? गुजरात में रहते। कहाँ पे रहते थे? मौड़ी चौकड़ी पेट्रोल पंप। मौड़ी चौकड़ी। हाँ वो कहाँ पे है? अब राजकोट में ही। राजकोट में। हाँ। अच्छा लोधिका रोड पे। मोरबी। हाँ लोधिका रोड। लोधिका रोड राजकोट पे। हाँ मजा आया वहाँ पे? मजा आया। हाँ क्या अच्छा लगा? खेती बाड़ी और रोड पे थे। खेती बाड़ी करते थे? नहीं खेती बाड़ी नहीं, खेत थे बड़े बड़े, सरसों के थे वो। सरसों के खेत। हाँ, थे। हाँ। ठंडा था? ठंडा था मौसम। मौसम ठंडा था। बारिश खूब होती है। हाँ, बारिश खूब होती है। वही है। हाँ। और लोग कैसे लगे? लोग अच्छे लगे गुजरात लोग। काम क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे तेल, गाड़ी में तेल भरता। अच्छा पेट्रोल पंप पे। हाँ। राजकोट में। राजकोट में। राजकोट में। और फिर कहीं और घूमे आप गुजरात में? अपने उधर सिटी में घूमे थे। कौन से? ये अपने हाथी डैम और उधर घुमा। हाथी डैम। हाथी डैम। हाथी डैम। राजकोट में घूमे? हाँ राजकोट में। नहीं मोरबी। बड़ौदा। मोरबी। मोरबी गए थे। हाँ अच्छा। अहमदाबाद में ओडाऊ में। क्या? ओडाऊ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ओडाऊ सोने की चाली। ओडाऊ रिंग रोड नहीं है? ओडाऊ रिंग रोड। हाँ एरिया है ओडाऊ। हाँ ओडाऊ अहमदाबाद। फैक्ट्री में काम करते रहे फैक्ट्री में। ओडाऊ में? हाँ। कौन सी फैक्ट्री? उधर सोने की चाली में है। क्या काम करते? वही रूम में मशीन में रूम। मशीन रूम। हाँ मशीन रूम। अच्छा ठीक है। और खाना कैसा लगता था वहाँ? खाना अच्छा था। आपको अच्छा नहीं लगता? हम तो घर पे ही बनाते थे वहाँ फैक्ट्री में। क्यों? तो वहाँ का खाना अच्छा नहीं, होटल में नहीं खाते थे वहाँ। वहाँ के खाने में क्या प्रॉब्लम है? और तेल मिर्च और तेल और मीठा चीनी शक्कर सब कुछ। तेल और चीनी शक्कर बहुत डालते हैं गुजरात में। यहाँ पे मैंने देखा तेल और शक्कर कम है। शक्कर तो डालते ही नहीं है। शक्कर डालते नहीं है किसी में। शक्कर डालते ही नहीं है। डालते सही है। और अभी आपके गांव में कोई कोरोना है कुछ? हमें और गांव में कुछ भी नहीं है। एक भी कोरोना नहीं है? राजमंडी है पर राजमंडी में बाहर के है वो, हमारे गांव में नहीं है। मतलब वो जिला में? जिला में, पूरे जिला में। जिला में है, आपके गांव में नहीं है? अब मेरे गांव में नहीं है। आपके आसपास के गांव में? नहीं आसपास नहीं है। आसपास के गांव तो 20 किलोमीटर दूर है। दूर दूर है। अच्छा 20-20 किलोमीटर गांव दूर है? दूर दूर है। गांव ही दूर है इसलिए बीमारी कम है? कम है बीमारी, बिल्कुल नहीं है। और बीमारी कम होने का क्या कारण है? कैसे शहर के लोग में? धूप और हवा। हवा और धूप से गांव में। गांव में हवा और धूप से बीमारी नहीं आती है। बीमारी नहीं आती है। हाँ। जी हाँ। और पेड़ पौधे बहुत है उधर, पहाड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। पेड़ पौधे बहुत है। हाँ हम हाथ सैनिटाइज कर लेंगे बाद में सब। सो पेड़ पौधे है और हवा और धूप है, इसलिए यहाँ पे बीमारी कम है। हाँ। और कुछ और संदेश देना चाहेंगे? सब जवान बच्चे देख रहे हैं इसको, सब जवान बच्चे देख रहे हैं, शहर के बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चे, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश मतलब क्या बताना चाहेंगे आप उनको? आप गुजरात क्यों छोड़ दिया ये बताओ? गुजरात दूर बहुत है। यहाँ से कितना टाइम लगता था? यहाँ कम 6-7 घंटा लगता है। 6-7 घंटा लगता है। पैसा भी लगता है उतना? पैसा लगता है, किराया ज्यादा लगता है। किराया ज्यादा लगता है। 800-1000 लगता है। और वहाँ पे रहने का आप क्या करते हैं? रहे पेट्रोल पंप पे रूम था। अच्छा उनका ही रूम? उनका रूम था पेट्रोल पंप का। हाँ ठीक है। आपका नाम एक बार फिर बताएं? केसर सिंह। केसर सिंह जी। हाँ राजपूत। हाँ राजपूत। राज राजपूत। राजपूत केसर सिंह राजपूत। धन्यवाद भैया। अभी मैनेजर साहब को देते हैं। अपना नाम बताइए सर। किशन सिंह राठौर। क्या? किशन सिंह राठौर। किशन सिंह राठौर। आप कहाँ के? थोड़ा इन्होंने जैसे बताया वैसा अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। हम नागौर जिले के रहने वाले। पास कहाँ के? नागौर जिला जोधपुर के पास में पड़ता है। जोधपुर के पास नागौर जिला। जी जी। और क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ होटल संभालता हूँ। होटल चलाते हैं। इसके पहले आप गुजरात गए कभी? नहीं नहीं गुजरात से निकले हैं। अच्छा ट्रेन से? रहे नहीं कभी। नहीं ठीक है। और आपने जो एक वो वीडियो बनाया वो दिखाएंगे? जी सर। हाँ बताइए आपके फोन में ही बताइए। तो नहीं आराम से सर, लॉकडाउन के अंदर इतने इसके बारे में कुछ चालू तब हुआ। जी साहब
व्यवस्था जरूर करें। निवेदक जयपुर पराठा जंक्शन, जहां है वर्ल्ड लार्जेस्ट 32 इंच पराठा 120/1 विजय पथ न्यू सनाने रोड मानसरोवर। जिनकी आपसे अपील है कि लॉकडाउन में पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, घर के बाहर और छत पर दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें। निवेदक जयपुर पराठा जंक्शन, जहां है वर्ल्ड लार्जेस्ट 32 इंच पराठा 120/1 विजय पथ न्यू सनाने रोड मानसरोवर एंड NH8 अजमेर रोड। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। आप भी कुछ संदेश दीजिए कि कैसे शहर में स्वस्थ रह सकते हैं, शहर में बीमारी कम है, शहर में क्यों जा रहे हैं? गाँव के अंदर खाना पाना सब सही है, सब गाँव का, शहर का, शहर का हर चीज रेडीमेड आता है। हम खेत में हम हमारी चीज सब अपने खेतों में पैदा करते हैं और वहाँ पे सब रेडीमेड है, वो सब रेडीमेड है। अपनी एक आप दूध से ले लो, दही से ले लो, अपन दही आप अपने एक तो घर का खाते हैं, एक आप रेडीमेड पैकिंग वाला खाओ, घर वाले का अलग ही चीज़ रहेगी, वो रेडीमेड अलग ही रहेगी। हमारा खाना पीना रहना सहना सब देसी स्टाइल, देसी स्टाइल वाले का अपने आप ही रोग नहीं लगेगा। लगेगा 100 में से 10%, शेर वालों का 90% लगेगा, हमारे 10% ही लगेगा। ये है ना, शेर वाला हर चीज़ जैसे पानी का बोतल है प्लास्टिक यूज़ करते हैं, अपने तो मटका मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हैं, और ये प्लास्टिक है, ये तो इसमें तो है ही ना। प्लास्टिक और मिट्टी में क्या फर्क है? पूरा पूरा फर्क है शरीर के लिए, वो तो एक फिल्टर हो गया, इधर फिल्टर पानी हो गया मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी से फिल्टर हो जाता है, ऑटोमेटिक करने का जरूरत नहीं है। वो गांव शहर वाले तो वो तो मशीन लगा के फिल्टर करते हैं। मशीन तो आदमी की फेल हो जाती है, मिट्टी वाला तो कोई फेल थोड़ी हो सकता है। सही बात है, यही बात है साहब, आपकी बात सही। और उसमें बिजली का भी खर्चा होता है सब कुछ, मोदी खुद बोलता है अपने स्वदेशी अपनाओ। उसके बारे में बताइए, स्वदेशी अपनाना क्यों जरूरी है? जरूरी है ना, क्यों नहीं? चाइना ने ऐसा आज अपने चाइना ने यहाँ से रोक पिलाया, क्यों? क्यों बाहर की चीज ये स्वदेशी से अपने को, बाकी छोटों ने अपने को रोजगार तो मिल रहा है ना, खुद को खुद की जगह पे रोजगार मिल रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज है, अपना पैसा अपनी जगह, बाहर नहीं जाएगा। अपने एक घड़ी अपन ले रहे हैं, एक विदेश की पहन रहे हैं, एक इंडिया की पहनो तो वो सही रहेगा। एक अपन चटाई खरीद रहे हैं, एक बाहर की खरीदो, एक घर पे बनाई हुई चटाई खरीदो, वो तो रोजगार है, यही तो है। एक प्लास्टिक के कूलर चाय पीते हैं, एक मिट्टी के कूलर में चाय पियो, कितना फर्क है? यही है साहब, रहना सहना गाँव का शुद्ध वातावरण है, पेड़ पौधे और। धन्यवाद।